मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और वो अपने इस कथन पर आखिरी सांस तक अड़ी रही। उनके अदम्य शौर्य की गाथा आज भारत के जन जन की वाणी बन गई है। वीरांगना लक्ष्मीबाई औरत होते हुए मर्दानी बनकर रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की सेना और सेनापतियों पर टूट पड़ा करती थी। उन्होंने अपनी बहादुरी से ग्वालियर के किले पर कब्जा कर अंग्रेजों को आश्चर्यचकित कर दिया था। झांसी की रानी ने अंग्रेजों को जीते जी झांसी के किले पर कब्जा नहीं करने दिया। चारों ओर से घिर जाने के बावजूद उन्होंने वीरता धीरता और गंभीरता से लड़ते हुए मातृभूमि की रक्षा करते करते 17 जून 1858 को अपना बलिदान दे दिया। आजादी की आवाज को शांत करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने मार्शल लॉ लगा दिया। भारत के वीर सपूत फिर भी डटे रहे और शांति प्रदर्शन करते रहे। 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और गोरी सरकार ने निहत्थे लोगों पर गोली चला दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक मारे गए। इसे सुन देशवासियों का खून खौल उठा और उन्होंने अंग्रेजी संस्थानों को आजादी की ज्वाला में भस्म कर दिया। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में जो आजादी की जोत चली थी वो जन आक्रोश की ज्वाला बनकर चौरी चौरा बन गई। देश प्रेम में रसद क्रांतिकारी राम प्रसाद मिश्र, राजेंद्र लाही, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्ला आदि ने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए और देश को आजाद कराने के अपने इरादे को अंजाम देने के लिए काकोरी में ट्रेन रोक दी और भारतवासियों का जो पैसा अंग्रेज विलायत ले जाने वाले थे उसे वापस लेकर उनके मंसूबे को नेस्तनाबूद कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध में जब सारा संसार जंग के अंगारों में जल रहा था और लोगों में खौफ और खलबली थी, ऐसे समय में भारत माता के सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश को गुलामी के शिकंजे से मुक्त कराने के लिए अपने बल पर इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज का गठन किया। पराधीन देश की जनता में स्वराज के संघर्ष को नई चेतना मिली। नेताजी ने आजाद हिंद फौज में 40,000 कर्मठ योद्धाओं को भर्ती कर लिया। इस तरह पूरे देश में आजादी के प्रति नई ऊर्जा और ज्वाला उत्पन्न हुई। देश में नया जोश था। नेताजी ने अंडमान निकोबार के कुछ द्वीपों को आजाद करवाकर आजाद हिंद सरकार बनाई और वो पहली सरकार के प्रधानमंत्री बने। We'll be right back.
है।